नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि प्रेजेंट में खो नागोरियन जगतपुरा रोड पर मौजूद है, जहां पर कंटिन्यू जयपुर राजधानी के अंदर बरसात होने से यानी नगर निगम प्रशासन और जेडीओ की पोल खुलती हुई नज़र आती है। जबकि प्रशासन से इन चीज़ों के बारे में पहले ही आग्रसित कर दिया गया था कि बरसात कभी भी आ सकती है जयपुर राजधानी के अंदर। आज वही चीज़ खो नागोरियन यानी जगतपुरा रोड पर रिजवा मस्जिद जहाँ पर मौजूद है, वहीं पर हम प्रेजेंट में मौजूद है। देखा जाए यहाँ पर जो नाला बंद है उसकी वजह से यानी आज कंटिन्यू बरसात होने की वजह से ये पानी अभी तक भरा हुआ है और आने जाने वाले सभी राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जयपुर राजधानी के अंदर कलेक्टर ने अधिकारियों से पहले ही सूचित किया था कि बरसात का महीना है, कभी भी बरसात आ सकती है, सभी नाले जितने भी बंद हैं उनको खोला जाए। लेकिन खो नागोरियन के अंदर अभी तक नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है, अभी तक नाला नहीं खुला है, सभी आने जाने वाले राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जनता इतनी परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर यहाँ पर विधायक की बात की जाए तो विधायक को भी इस चीज़ के बारे में सूचित किया गया था कि सर घाटी करोलान से लेकर खो नागोरियन तक रोड क्षतिग्रस्त है। जेडीओ को भी सूचित किया गया था कि सर ये रोड क्षतिग्रस्त है जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है और ये कभी भी पानी भरने की असंभावना हो सकती है यहाँ पर। लेकिन ना तो जेडीओ जागा है और ना ही पीडब्ल्यूडी जागा है इस चीज़ पर। और नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम यहाँ बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, जबकि पार्षद ने इस चीज़ के बारे में पहले ही सूचना दे दी थी कि साहब मेरे यहाँ पर इस तरह से नाला बंद है और बरसात आएगी तो जनता को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मगर नगर निगम प्रशासन आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है इस चीज़ के बारे में, जबकि सभी जाने वाले राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहाँ दिन में रिक्शा तक पलट गया है और कई बार मोटरसाइकिल स्लिप हो चुकी है, लेकिन प्रशासन आंखों पर पट्टी बांध के बैठा हुआ है। खो नागोरियन जगतपुरा रोड पर मौजूद हैं और हमारे बीच में देखिए ग्रामीण भी हैं, उनसे भी पूछते हैं सर क्या समस्या है यहाँ पर। तो इन चीज़ों के बारे में प्रशासन एक तरह से बहुत बड़ी लापरवाही आती है यहाँ पर। हाँ सर, यहाँ पे प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जो मौसम विभाग आपदा प्रबंधन ने जो चेतावनी दी थी कि यहाँ पे मौसम में इस बार बरसात ज़्यादा भारी मात्रा में आ रही है और पूरा प्रशासन सारे संबंधित डिपार्टमेंट है सारे सोए हुए हैं। कुछ लापरवाही हमारे गांव वालों की भी रही है कि जहाँ पे जब पानी का निकास था वहाँ पे इन्होंने अतिक्रमण करके और नाले को बंद कर दिया, जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है उस रेगुलर पानी भरता जा रहा है और यहाँ पे पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। और लेकिन आज के वक्त इस वक्त जब भजनलाल शर्मा ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने मौसम विभाग के सभी डिपार्टमेंटों ने ये चेतावनी देने के बावजूद प्रशासन सोया हुआ है, इसी वजह से यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पूरा रोड जगह जगह से खड्डे हो रहे हैं, बैटरी रिक्शा गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पे महिलाओं के साथ में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इस चैनल के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इस पानी का निकास का रास्ता निकालें। धन्यवाद। तो यानी नगर निगम प्रशासन की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही है, पहले सूचना देने के बाद में भी अभी तक नाले पंडाले नहीं खोले गए हैं, सभी ग्रामीण वासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जिला कलेक्टर प्रोद रोहित जी ने ये भी आदेश दे देते कि कोई प्रशासन लापरवाही नहीं बरतेगा, बरसात का मौसम है, दुनिया को यानी जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इन चीज़ों पर। और सभी राहगीरों को सुबह से यानी 3-4 दिन कंटिन्यू पानी भरे रहने से ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन को यहाँ पर जागना पड़ेगा और नहीं तो जनता धरना प्रदर्शन भी कर सकती है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अवगत कराया और पार्षद ने भी इस चीज़ की सूचना दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उनको मैं सूचित करता हूं और चेतावनी दे रहा हूं, अगर हमारी यहां की सुनवाई जल्द से जल्द नहीं की गई और इस समस्या का हल नहीं किया गया तो हम यहां पे रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी समस्या हल नहीं हो जाती है। ये खुली चेतावनी तो प्रशासन से। ग्रामीणों का कहना है अगर ये पानी का निकास हमारा नहीं होगा तो हम रोड को जाम करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमें आए दिन ये समस्या खड़ी होती है और आने जाने वाले सभी राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं जाकिर खान।